इस संसार में अगर किसी के मन की बात जाननी हो तो पहले उसके जैसा होना पड़ता है। तब आप जान पाओगे कि ऐसी अवस्था में दूसरा व्यक्ति क्या सोचता होगा। जैसे कि एक कहावत है कि जाके पैर ना फाटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति के कभी पैर की चमड़ी भी ना फटी हो तो वो दूसरे के दुख को दर्द को कैसे समझ सकता है। ऐसे ही एक विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थी की, एक माँ ही दूसरी माँ की अवस्था को समझ सकता है। ऐसी ही एक अवस्था होती है प्रेमी की। प्रेमी के मन की बात को या उसकी अवस्था को जानने के लिए पहले प्रेमी जैसा होना पड़ता है। अगर आपने कभी प्रेम नहीं किया तो आप उसके मन की पीड़ा या हर्ष को कभी समझ नहीं पाएंगे। राजा भर्तृहरि जो कि एक राजा थे, परंतु अपनी पत्नी रानी पिंगला से अगाध प्रेम करते थे। वो अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे कि उसके द्वारा विश्वासघात करने के बाद ही उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। तो राजा भर्तृहरि एक प्रेमी के मन की बात को भी अच्छे से जानते थे और उन्होंने अपनी पुस्तक श्रृंगार शतक में इसका बखूबी वर्णन किया है कि एक प्रेमी के मन की कैसी अवस्था होती है। इस शतक के एक श्लोक में राजा भर्तृहरि कहते हैं कि उनका प्रश्न है कि इस संसार में प्रेमियों के देखने के लिए सबसे उत्तम वस्तु कौन सी है, कि उनका पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रेसी के मुख के अतिरिक्त इस संसार में प्रेमियों के लिए देखने के लिए इससे उत्तम और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। अर्थात प्रेमिका का प्रसन्न मुख ही प्रेमी के मन को प्रसन्न कर देता है। उसके सिवा उसे और किसी वस्तु को देखने में प्रसन्नता नहीं होती। इसके बाद राजा भर्तृहरि का दूसरा प्रश्न है, सूंघने की सबसे उत्तम वस्तु क्या है? और इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि प्रेमिका के मुख की श्वास से बढ़कर और कोई भी सूंघने की वस्तु नहीं हो सकती। अर्थात जब प्रेमी और प्रेमिका का मुख बिल्कुल एक दूसरे के पास हो और जब वे बातें करते हैं तो एक दूसरे के नाक से अथवा मुख से जो श्वास निकलती है वो प्रेमी के अंतर्मन को बहुत ही आनंदित करने वाली होती है। उसको सुनकर वे आनंदित होते हैं। एक दूसरे की श्वास जब उनके मुख को स्पर्श करती है, उनके नाक को स्पर्श करती है, तो उनको बहुत ही आनंद प्रदान होता है। उनको आनंद प्रदान करती है उनकी श्वास। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सुनने योग्य वचनों में सर्वोत्तम सुनना क्या है? और इसका जवाब देते हुए राजा भर्तृहरि कहते हैं कि प्रेयसी का मधुर भाषण। अर्थात जब व्यक्ति प्रेम में आसक्त होता है तब उसको प्रेमिका द्वारा कही गई बातें ही सुनने में सबसे अच्छी लगती हैं। ये प्रेयसी का भाषण उसे किसी भी संगीत से भी अच्छा लगता है। और इसके बाद है चौथा प्रश्न, स्वादिष्ट पदार्थों में उत्तम क्या है? और इसका उत्तर देते हुए राजा भर्तृहरि कहते हैं, प्रिया के अधरों का रस। अर्थात किसी भी प्रेमी के लिए सभी खाने या पीने की जितने भी वस्तुएं हैं उन सबसे अधिक स्वादिष्ट उसे अपने प्रेमिका के होठों का रस लगता है। प्रेमिका के अधरों के रस के आगे सारी स्वादिष्ट वस्तुएं बेकार हैं। उनका पांचवा प्रश्न, स्पर्श करने वाले पदार्थों में सबसे उत्तम क्या है? और उसका उत्तर है, प्रिया की सुकोमल देह। जब हम किसी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो हमें वह स्पर्श अच्छा या बुरा लग सकता है। और अगर सभी अच्छे स्पर्श करने वाली वस्तुओं की बात करें तो भी एक प्रेमी के लिए स्पर्श करने में सबसे उत्तम जो है वो है उसके प्रेमिका की सुकोमल देह। अर्थात प्रेमी को जो आनंद अपने प्रेमिका के शरीर को स्पर्श करने में मिलता है वह किसी अन्य वस्तु को स्पर्श करने में नहीं मिलता। राजा भर्तृहरि का छठा प्रश्न, ध्यान करने योग्य वस्तुओं में श्रेष्ठ क्या है?
और इसका उत्तर देते हुए राजा भृतहरि कहते हैं, प्रिया की तरुणाई और उसके हाव भाव। हर व्यक्ति का प्रतिदिन ध्यान अथवा चिंतन किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति में होता है, परंतु एक प्रेमी का सारा ध्यान हर समय अपनी प्रेमिका के हाव भाव या विलास के जो चिंतन है उसी में ही व्यतीत होता है। यह सत्य है कि रसिक जनों को अपनी प्रेयसी के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनके लिए संसार में उनकी प्रेयसी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। ओम नमः शिवाय।